तुम अपने आप को समझते क्या हो? एक बार स्कूल में मुझे गाना गाने के लिए खड़ा कर दिया, फिर क्या, मैंने भी राष्ट्रगान गा के सबको खड़ा कर दिया। अधिनायक जय हिंद, भारत भाग्य विधाता। लोग शराब या सिगरेट एक दिन पीते हैं तो उन्हें लत लग जाती है। हम बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी लत नहीं लगी। अब जो संडे आते हैं वो कुछ नहीं, संडे तो पहले की खौफनाक होते थे। माँ एक हफ्ते का मेल निकालने के लिए भैंस की तरह रगड़ रगड़ के नहलाती थी। आपके साथ भी ऐसा हो तो बताना। थोड़ा चैन मिल जाएगा, तू इशारा कर। कमाने को आऊं तो मैं अंबानी को भी पीछे छोड़ दूं, पर इस दुनिया से खाली हाथ ही जाना है तो क्या फायदा इतनी झंझट करने का। तू ऐसे पैसा कमाने दे, म्यूजिक बनाने दे, आगे तुम एटीट्यूड की बात करते हो। पैदा होते ही 2 साल तक मैंने किसी से बात नहीं करी। सब कुछ पहले से ही बिगड़ा हुआ है। बचपन में मुझे मार मार के सुलाते थे और अब मार मार के उठाते। पता नहीं चाहते क्या है घर वाले, मेरी जिंदगी का क्या होगा। ठंड इतनी भयानक पड़ रही है कि कोई हाय बोले और सुनाई चाय देता है। लगाओ घूंट तुम। कभी चाय पीने के बहाने ही चले आइए। हमने नहाने से आधी थकान दूर हो जाती है, ठंड में ऐसी अफवाहों से दूर रहिए। लोग कहते हैं कि जिंदगी 4 दिन की है और मैंने रिचार्ज 28 दिन का करवा लिया, बताओ अब मैं क्या करूं? मैं तुझे शराब दे दूंगा बच्चा। कोई मुझे भी हाय हेलो बोल दिया करो, मैंने मोबाइल सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं लिया है। रिश्ता पक्का होने ही वाला था दोस्तों, तब घर वालों ने कहा कि हमारा बेटा बहुत शरीफ है और तब अचानक हंसी निकल गई और रिश्ता खत्म। लोग चाहे कितनी भी तारीफ कर ले घर वालों के सामने, पर मम्मी की नजर में तो हम वो औलाद है जो भगवान किसी को ना दे। शादी की कार्ड में लिखा हुआ था कि मेहरबानी करके शराब पीने वाला ना आए, फिर पता है क्या हुआ, दूल्हा भी नहीं आया। दिल एक को दो पर नेक को दो, कि दिल एक को दो पर नेक को दो, ये कोई राम भगवान जी का प्रसाद नहीं है कि प्रत्येक को दो। दिन भर इंस्टाग्राम पर टाइम खराब करने वालों कान खोल के सुन लो, मैं भी आपके साथ हूँ। हाँ। सबकी मम्मी कहती है कि लाइफ में झूठ नहीं बोलना चाहिए, खुद जो बोलती उसका क्या, सुबह 7 बजे और बोलती 11 बज के उठ जाए। जिंदगी में 2 बातें हमेशा याद रखना, एक कल बताऊंगा और एक परसों, ज्यादा पूछा तो ये भी नहीं बताऊंगा। मेरे दोस्त के पेट में चूहे कूद रहे थे तो मैंने चूहे मरने वाली दवा दे दी, 2 घंटे से आराम कर रहा है, साले ने थैंक यू भी नहीं कहा। पहले कट्टी बोलने से दोस्ती टूट जाती थी, अब सालों को भर भर के गाली देता हूँ फिर भी आ जाते मोटा के। मैं तो
कब से पाया था जब...